नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जागीरदार आपको फिर एक बार मिलने आया हूँ। सॉफ्टमो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मैं आपकी सबको एक जानकारी देना चाहता हूँ। नीट के रिजल्ट आउट के वहाँ पर काउंसलिंग राउंड वन राउंड टू हो गया, अब तो मॉपअप के लिए लोग वेट कर रहे हैं। कब कैसा रहेगा? लगता है 15 तारीख तक सभी जगह में, सभी स्टेट में ये जो मॉपअप राउंड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बचे कुचे जितने भी सीट्स है वो सबको अलाट हो जाएंगे। जो भी खुश नसीब है, नसीबवान है, लकी है, उनको मिल जाएंगे। और बाकी जो बचे हैं एस्पायरेंट, MBBS एस्पायरेंट जो स्टूडेंट्स है, उनको तो एक ही विकल्प रह जाता है, MBBS एब्रॉड। अदरवाइज सम स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मेक अप देयर माइंड, सो दे आर अगेन वॉन्ट टू रिपीट फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर द नीट एग्जामिनेशन। बट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल गाइज, ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज नो दैट डे बाय डे दीज एग्जामिनेशंस आर बींग कंडक्टेड, आर बींग टफ्ड। एंड जितने भी टफ होते जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर का जो बैकलॉग जो है वो भी स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ये जो रिपीट का जो आइडिया है, इट इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल, बिकॉज काफ़ी लोगों का हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो 10 में से 7 जो स्टूडेंट आते हैं हमारे पास वो रिपीट करने के बाद में मेक आ जाते हैं हमारे पास और MBBS एब्रॉड के बारे में सोचते। सो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका एक साल जो है, लाइफ का एक साल जो इम्पोर्टेंट साल है, वो वेस्ट मत करिए। अगर इस साल नीट आप क्वालिफाई हो रहे तो MBBS अब्रॉड एक बेहतर विकल्प है, उसकी ओर आप ध्यान दीजिए। और जाहिर है डिसीजन तो आप ही को लेना है। काफ़ी सारे विकल्प है, काफ़ी सारे कंट्रियाँ हैं, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। बट हाल ही में मैंने देखा है कुछ लोगों का जो YouTube पर वीडियो पर जो प्रमोशन चालू है, सोशल मीडिया काफ़ी जोरों में है, Instagram, YouTube, Facebook, सभी जगह में प्रमोशंस जोर से चालू हैं। और यहाँ पर कुछ कैटेगराइज आपको करना पड़ेगा, किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि MBBS एब्रॉड अगर जाना है तो कोई वहाँ से डॉक्टर जो आ गया वहाँ पढ़ाई करके तो उसी के थ्रू जाइए। मुझे ये सब सुन के बड़ी हंसी आती है कि अरे भाई, तू तो डॉक्टर वहाँ से बनने के लिए गया था, यहाँ आ गया, तू डॉक्टर ही क्यों नहीं बना? तू PG के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? तू काउंसलिंग और एजेंसी क्यों खोल के बैठा है? तो तेरी 6 साल की मेहनत, तेरे पेरेंट्स के पैसे, वो तो वेस्ट हो गए भाई। तो ये तो गलत क्यों सबको बता रहा है कि ये वीज़ा के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी है, अपोस्टल के लिए डॉक्टर होना चाहिए, गाइडेंस के लिए डॉक्टर होना चाहिए और वहाँ से 6 साल का सपोर्ट देने के लिए डॉक्टर होना चाहिए? ये सब बड़ा जोक लग रहा है मुझे। और दूसरा एक नया जोक शुरू हो गया इस लाइन में, और कुछ लोग एजेंसी खोल के बैठे हैं, ना ही वो काउंसलिंग कर पा रहे, ना ही सर्विसेज दे पा रहे, बस अपनी दुकानें खोल के बैठे। फिर क्या हो जाता है, नाम खराब हो जाता है, लोग आना बंद कर जाते हैं। ये तो काफ़ी खर्चा करके बैठ जाते हैं और फिर उनको एक दिन पता चल जाता है, अरे इस साल तो हमारे इधर लास्ट ईयर से कम स्टूडेंट्स आ रहे, हमारे इधर से कोई बुकिंग नहीं हो रही है। तो ये इनके बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। पैसे तो खर्च कर दिए, सोशल मीडिया में पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया और बड़े बड़े YouTube पे वीडियो भी डाल दिए, शूटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे तो कन्वर्ट नहीं हो रहे, ना ही कोई बुकिंग आ रही है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है, पैसे तो खर्च हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, अब रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो देखिए कैसा हो जाता है, तो खेल यहाँ से चालू हो जाता है। लोग बोलना चालू करते, अरे अरे फलाना इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, ये कंट्री ठीक नहीं, वो कंट्री ठीक नहीं, मेरे पास जितनी एजेंसी वही ठीक है। ऐसा कोई नहीं होता है, सभी कंट्री अपनी अपनी जगह पे ठीक है। बस बशर्त ये है कि मुझे जो सूटेबल है मैं जाना चाहिए, या तो उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो मुझे सूटेबल होना चाहिए और मेरे में कुछ जो गुण होने चाहिए वो होने चाहिए, तब जाके मैं सक्सेसफुली डॉक्टर बन जाऊंगा,
या बन जाऊंगी, जो भी है। सो ये पॉइंट को आप ध्यान में रख दीजिए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो नए नए वीडियो डालकर गुमराह करने की कोशिश करें। सो कीप योर ओन कॉन्शियस अलाइव, आपका इंटेलेक्ट अलाइव रखिए। आप MCI जैसे साइट पर खोज करिए, यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल साइट पर जाके कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस कर लीजिए, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ, आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। बेस्ट काउंसलिंग तो हर जगह मिलता ही है, ऐसा बोल नहीं सकते, कई जगह मिलता भी नहीं, बट इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर, यू कैन गेट गुड काउंसलिंग एंड यू कैन डिसाइड ऑन दैट बेसिस कि जो सूटेबल है आपको, कितने साल का सूटेबल है, कैसा सूटेबल है, व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर, कितना फीस आप दे पाएंगे। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है जो हर एक डॉक्टर ने गौर करना चाहिए, अगर आपको इस मेडिकल फील्ड में आना है, आपको MBBS डॉक्टर बनना है, ये बनने के बाद में डोंट स्टॉप योर जर्नी, प्लीज़ थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको MD होना है, MS होना है, आपको सुपर स्पेशलिटी होना है। अगर फ्यूचर का सोच के ऊपर इस फील्ड में आ पा रहे, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको बहुत कुछ पैसा भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा, बट बशर्त ये कि आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये 9 साल आपके जीवन में जो आने वाले हैं उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ने का हर चांस जो है, आपको हर चांस को आजमाना पड़ेगा और उसको पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुली इस समाज में, इस इंडिया में, इस देश में आप सक्सेसफुल डॉक्टर हो सकते हैं। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। एक नया गेम प्लान चालू हो गया है इस YouTube पर, वो ये है कि अरे बहुत से लोग अभी फेल हो रहे हैं, MBBS के बाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ पर आते हैं, FMG जो एग्जामिनेशन है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जो है MCI कंडक्ट करती थी, अभी नेक्स्ट करके एक एग्ज़ाम आ जाएगी, वो कंडक्ट की जाएगी, उसमें बहुत रेशो कम है, कुछ लोग तो बोल रहे कि ओनली 12.5% उसमें 12.5% स्टूडेंट्स है वो पास आउट हो रहे, बाकी तो फेल हो रहे। देखिए आप ये देखिए, ये पेपर कटिंग में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक लोकल न्यूज़पेपर पर, मराठी न्यूज़पेपर पर एक कोई पेड ऐड ये डाल दिया है, ये पेड न्यूज़ है, ये पेड न्यूज़ किसने डाल दिया, जिसके पास गए साल से, इन कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर, गए साल से आज स्टूडेंट 25% आके बैठे, उनका धंधा ही नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही उनकी। तो इतने साल 8-9 साल तो MBBS का बहुत डंका पीट रहे थे, बहुत ढोल लगा रखा था उन्होंने कि MBBS अब्रॉड करो, वहाँ पर बहुत अच्छा है, PG करो, जर्मनी जाओ, US जाओ, ये करो वो करो, बता रहे थे US अमेरिका की कहानी बता रहे थे। अब अचानक बोल रहे नहीं 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 नहीं, MBBS अब्रॉड, यूक्रेन, रशिया, चाइना, ये तो बकवास है, मत जाइए उधर, डायरेक्टली US चले जाइए। भाई US में अगर डायरेक्टली जा सकते हैं तो वो मैक्सिकन लोग मरे क्यों बीच में, वो इंडियाना से लोग क्यों मरे, इतने लोग इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर, वो लोग इलीगली इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, वो तो मर रहे वहाँ पर, क्यों मरे? क्या US में अंदर जाना इतना ईजी है? ये स्पार्टन प्रमोट करे, कैरेबियन प्रमोट करे, साउथ अमेरिका प्रमोट करे, क्या ये रास्ता सही मायने में अच्छा है? कोई उसके ऊपर उजागर कर सकता है? कोई उसका सक्सेस रेशो दे सकता है? USMLE एक एग्जामिनेशन जो है बहुत ही टफ है, जो नीट को टफ बोलते हैं, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्जामिनेशन को टफ बोलते हैं, जो NMAT को टफ बोलते हैं, वो USMLE को अचानक से रातों रात कैसे के ईजी बोलने लगे? ये बड़ा एक खेल है सर। देखिए इसको समझ लीजिए, USMLE हर एक ने प्रिपरेशन करना चाहिए, एक अपना सपना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि मुझे US में बसना चाहिए, वहाँ जाके बसना है, वहाँ पर प्रोफेशनल मुझे लाइफ जीने, कोई बुराई नहीं इसमें। बट USMLE कितना टफ है, कितने स्टेप्स है, क्या क्या करना पड़ेगा, कितना खर्चा आना पड़ेगा, ये खर्चे के बारे में, ये टफनेस के बारे में, ये हर्डल्स के बारे में कोई नहीं बता रहा है। बस यही प्रमोट करे, कोई बेलीज में लेके जा रहा है,
कोई स्पार्टन में लेके जा रहा है, सेंट लूसिया में लेके जा रहा है, कोई वेस्ट इंडीज में लेके जा रहा है, किधर किधर लोग लेके जा रहे, लिंकन में लेके जा रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग गुमराह करके लेके जा रहे। बोलते बस बॉस आपका 85 लाख में हो जाएगा सब कुछ, बेड़ा पार, बस 85 लाख रुपये भर दिया का आपका बच्चा सर्जन हो गया, US में बस गया, 40-45 लाख की उसको सैलरी मिल जाएगी। ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मैं आपको विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इन जाल में मत फंसिए। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस, आपकी बच्ची या बच्चा जो भी है, आपने 17-18 साल उनको बहुत लाड़ प्यार से पाला है, ऐसे एजेंटों के हाथ में ऐसे गलत जगह पर मत भेजिए। बेलीज का तो मैंने हिस्ट्री निकाल दिया, वो बेलीज कंट्री तो बहुत ही छोटी कंट्री है, बहुत ही अनसिक्योर्ड कंट्री है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, 4 लाख लोग भी नहीं बसते वहाँ पर, MBBS करने के लिए लोग भेज रहे हैं। वहाँ से बोलते नेपाल जाएगा, वहाँ से बांग्लादेश जाएगा और मेडिकल की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हर साल 10-12 हज़ार लोग जो रशिया, चाइना, यूक्रेन, बेलारूस, फिलीपाइंस, जॉर्जिया जा रहे, वो तो पागल है, उनको इधर ही जाना चाहिए था, 2-4 साल में डॉक्टर बन गए, फिर हो गए डॉक्टर। देखो बहुत बड़ा ये गेम चल रहा है इसमें, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और जिन कॉलेज का, जिन यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री लगभग 50 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 100 साल है, उनकी तरफ देखिए, उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, उनका स्ट्रक्चर देखिए, उनका सब जो टीचिंग स्टाफ है उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, और आप खुद ही डिसीजन ले पाएंगे। मोस्ट ट्रस्टेड जो लोग होते हैं ना, काफ़ी साल तक पढ़ाई किया हुआ जो कंट्री है, जो जहाँ पर 150-200 साल से यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, उस कंट्री में नेचुरली यहाँ से भी बेहतर आपको एजुकेशन मिलने वाला है। वहाँ का जो मेडिकल साइंस है हमारे से भी 10 कदम आगे है, तो वहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि 2-4 लाख जहाँ पर बस्ती पड़ती है वहाँ पर पीने का पानी तक मिलता नहीं है, ना ही कुछ मिलता है। ऐसे गरीब देशों में, नोटोरियस देशों में अपने बच्चों को MBBS करने के लिए मत भेजिए, ये बहुत बड़ा आप रिस्क में आ रहे हैं, बहुत बड़ा खेल का, एक साजिश का आप शिकार होने जा रहे हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, जिसको आपने प्यार लाड़ प्यार से इतना बढ़ाया, तो आप उनकी फ्यूचर और उनका जो परवरिश है उसके लिए सोच के सही समय में सही डिसीजन लीजिए। 4 एजेंट्स को मिलिए, 4 कंसल्टेंट को मिलिए, आपका कंसल्टेंसी कर लीजिए, और उसके बावजूद भी पैरेलली आपका रिसर्च जारी रखिए और बेटर डिसीजन लीजिए। इंटेलेक्ट के साथ में लीजिए, ना ही के भावना के साथ में लीजिए। वो फलाने का मौसे का डिकरा उधर जा रहा है और इधर चाचा का भतीजे का बच्चा उधर जा रहा है, तो मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी जाती हूं, ऐसा डिसीजन कृपा करके मत लीजिए। आपकी ज़िंदगी है, आपका करियर है, आपका डिसीजन है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जो भी करना है सोच समझ के करिए। और रशिया, चाइना, यूक्रेन, ये तो बेहतर विकल्प है ही, जॉर्जिया भी है, किर्गिस्तान भी है, और कजाकिस्तान भी है, बट उसमें बेहतर है कि देखकर आप डिसीजन ले लीजिए और आपका करियर आगे चला लीजिए और सक्सेसफुल हो जाइए। आई विश यू बेस्ट लक इन योर मेडिकल करियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।